क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं? राइमिंग वर्ड। तो चलिए पहले जानते हैं राइमिंग वर्ड क्या होता है। जो वर्ड बोलने में सेम साउंड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड कहते हैं। जो वर्ड बोलने में सेम साउंड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए पहले यहाँ लिखा हुआ है मैट, MAT, मैट। अगर मैं यहाँ कैट लिखूं, CAT, कैट, कैट लिखती हूँ तो इसका सेम साउंड होगा। देखिए अब MAT, मैट हो गया, CAT, कैट, मैट, कैट, मैट, कैट। फिर यहाँ है रैम, तो अगर हम मैं यहाँ मैन लिखती हूँ लाइक, तो मैन रैंड का राइमिंग वर्ड होगा मैन। रैंड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मैन। सेम साउंड आ रहा है ना? देखिए रैंड मैन, रैंड मैन, ठीक है। फार, तो फार का राइमिंग वर्ड क्या होगा? जा। फार का राइमिंग वर्ड क्या होगा? जा। ठीक है, सेम साउंड आ रहा है फार, जा, फार, जा, ठीक है। रेड, तो रेड का राइमिंग वर्ड होगा बैट। देखिए रेड बैट, सेम साउंड आ रहा है रेड बैट। ठीक है, हैट, तो हैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मैट। क्या होगा? मैट। देखिए सेम साउंड आएगा हैट मैट, हैट मैट। फिर है बैंक, बैंक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? कैन, सी ए एन, कैन। तो देखिए सेम साउंड आएगा बैंक, कैन, बैंक, कैन। फिर है पैन, पैन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? पैन। क्या होगा? पैन, पैन। देखिए पैन, पैन, कैन, सेम साउंड आ रहा है ना। अब मैं आपको इसे पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को। मैन, कैट, मैन, कैट, रैन, मैन, रैन, मैन, फार, जा, फार, जा, सेम साउंड आ रहा है ना। रैन, बैन, रैन, बैन, हैट, मैन, हैट, मैन, वैन, कैन, वैन, कैन, पैन, फैन, पैन, फैन। अब मैं आपको इसे आप लोगों को दोबारा पढ़ा दे रही हूँ। देखिए मैन, कैट, सेम साउंड आ रहा है ना। मैन, कैट, रैन, मैन, आना ना सेम साउंड, रैन, मैन, फार, जा, फार, जा, रैन, बैट, रैन, बैट, सेम साउंड आ रहा ना। हैट, मैन, हैट, मैन, बैन, कैन, बैन, कैन, पैन, 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 पैन। देखो ना आप लोग कितना आसान है। ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी पे लिख के मुझे दिखाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।